नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूँ श्रद्धा। अभी हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस समाज में रहते हैं। क्या यह वही समाज जिसमें हम रहते हैं? जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बिन ब्याही माँ की दुख भरी दास्तां, जिसका आज से 3 साल पहले जहानाबाद से अपहरण कर लिया जाता है। पहले उसे उत्तर प्रदेश में बेचा जाता है तो फिर राजस्थान में। इन 3 सालों में ना जाने कितने के हाथों से बेचा गया और कितनों के हाथों से खरीदा गया, उसे खुद याद नहीं। इधर परिजन अपने नाबालिग बेटी की तलाश में थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस से परिजनों को कुछ भी सहायता नहीं मिली। इसी दौरान नाबालिग के भाई को मालूम चला कि उसकी बहन राजस्थान के दौसा में है। अपहरण का मामला था सर, जो हमारे पिताजी यहाँ FIR किए थे और उस केस को संदिग्ध नहीं लिया गया। बहला फुसला कर ये प्यार का मामला, इस केस को नाम दे दिया गया कि बहला ये प्यार प्यार लव मैरिज का मामला है और उस केस को संदिग्ध से नहीं लिया गया। आज 3 साल हो गया, अभी तक इन लोग के वही स्टेटमेंट है कि मर गई होगी, अपने से खुद चली गई, अपने से खुद ब्याह कर ली। तो फिर कैसे पता चला? ये सर कॉल आया, सरस्वती पूजा के दिन मोबाइल पे कॉल आया मेरे भाई के नंबर, जो परमानेंट नंबर आज से 15 साल से अप्रोक्स ज़्यादा ही हो गया सर, वो नंबर पे कॉल आया और भाई खाली इतना ही बोला, भाई इतना ही बोल के कॉल कट कर दी। क्योंकि वहाँ वो जिस आदमी के साथ थी वहाँ टॉर्चर इसको किया जा रहा था, 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा था। कैसे पहुँची वहाँ? वहाँ पे सर हम यहाँ पे आके IO से वो नंबर तुरंत दिए, क्योंकि हम लोग एक्टिव थे सर कि कहीं ना कहीं आज 3 साल से हम लोग घूम रहे हैं और सदैव ये थाना के संपर्क में थे हम लोग। हम आके यहाँ नंबर दिए, नंबर कॉल डिटेल उसका लोकेशन निकला सो हम सुबह ही निकल गए। IO गए हमारे साथ रंजन कुमार। लड़की कैसे पहुँची थी वहाँ पे? लड़की को बेच दिया गया सर नोएडा में, पहले फर्स्ट में नोएडा में यहाँ से बेचा, नोएडा में, नोएडा से कठपुतली में बेचा, कठपुतली से वहाँ बेचा है। अच्छा। 3 बार लड़की को बेचा गया। किसके द्वारा बेचा गया था ये? ये 4 मुख्य आरोपी जो FIR में दर्ज भी है, श्याम किशोर, रोशन कुमार, कुंदन कुमार और राहुल कुमार। एक लड़की है उसमें राखी कुमारी सोनवा की। कैसे संपर्क में आए थे? ये संपर्क में आए थे सर उसी मकान में, अपोजिट में रहते थे, उसी में संपर्क में आए थे ये सर। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू है सर। उसके बाद बिहार पुलिस टीम दौसा पहुंची, जहां से पुलिस ने पीड़िता को अपने संरक्षण में लिया। कब से यहां से गई थी यहां पे? कौन लोग गए थे आपको, कहां ले गया था बताइए? कौन ले गया था? रोशन, कुंदन। कहां ले गया था आप लोग? बेहोश कर दिया था। कितना? अच्छा। दिन तक आप लापता रही? 3 साल तक। कहाँ कहाँ आपको ले गया वो? रात होगी वहाँ गंगलास, बाकी 6 दिन तक लगी भटकित रहते, नेवडा, अरबुया, हरिद्वार, कोटपुतले। अच्छा, तो मतलब वो आपको बेच देता था? नहीं, बेच दिया। बेचा, कितना जगह बेचा था आपको? 3 जगह। अभी आप कहाँ रह रहे थे? यहाँ से जाने के बाद कब आपको होश आया, क्या मालूम चला आपको? होश आया इलाहाबाद देख, एक बूढ़ा एक बूढ़ी थी और जय दादा के पास फोन कर दे और बोल रही है जय दादा की फोन कर दिए, फोन करे झोल हम नहीं किए तो भी होश थे तो हम कैसे करते सर, लोगों को भी हम कैसे करते। अच्छा, घर तक कैसे आपका सफर हुआ? घर मेरे भैया के पास फोन किए, फोन नहीं मिलता था वहाँ, फोन नहीं मिलता था। मारपीट भी करता था आपके साथ? मारपीट करता था। किस लिए? ऐसी मारपीट करता था। तो कैसे झांसा में, उसके कैसे झांसा में आए थे? उन लोग के झांसा में कैसे आ गए आप? जहानाबाद से कैसे लेकर के गए? जहानाबाद से यहाँ का कुंदन वही बेचा था आपको? वो बेचा है इलाहाबाद के, नहीं इलाहाबाद के बाद तीनों भाग गए।
फिर भाग गया। भाग गया कि घर तक वहीं पर था, हमने ही देखने गए। कैसे उसको लेके, वो आपको ले कैसे गया? प्यार वगैरह का नहीं करते थे। ये प्रीति का मोबाइल नंबर प्रीति पढ़ती थी मेरा ही साथ, वही एक बोले के भाई जो हुआ पढ़ते थे। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि फांसी लगा दे, तीनों के लगा दे। किसको किसको? रोशन को और कुंदन को और केडी को, चीकू को। वही लेकर के गया था? हाँ, तीनों यही लेके गया। ये दोनों बच्चा पिस्तौल भी दिखा दिया और घोड़े ने भी उतार दिया था। ये दोनों बच्चा किसका है? मेरा ही है। ठीक। सबसे बड़ा सवाल उठता है सरकार की उस सिस्टम पर जिसमें आजादी के इतने दशक बाद ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें आईबीटीवी।